हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिपाली हियर एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेटा नॉलेज क्लब। सो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे अपने 10th क्लास का चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5। तो 5.3 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन हमने कल कंप्लीट किए थे। आज हम देखते हैं 6th क्वेश्चन। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर 17 and 350 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब फर्स्ट टर्म 17 है एंड लास्ट टर्म विल बी 350। सो फर्स्ट टर्म मीन्स ए इज इक्वल टू 17, लास्ट टर्म मीन्स ए एन इज इक्वल टू 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डिफरेंस क्या गिवन है आपको बेटा 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, इट मीन्स हाउ मेनी टर्म्स, टर्म्स का मतलब एन आपको फाइंड आउट करना है, एंड व्हाट इज देयर सम, और इनका सम भी आपको फाइंड आउट करना है। सो पहले आप एन की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए यहां से। सो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 350। ए आपको 17 गिवन है, एन माइनस वन इंटू डी 9 गिवन है इज इक्वल टू 350। तो 9n-9 इज इक्वल टू 350-17। 9n इज इक्वल टू 350 में से 17 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ये 333। 9 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 9, तो 9n इज इक्वल टू 333 में 9 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 342। सो n इज इक्वल टू 342 अपॉन 9। 9 वन जा 9, 9 थ्री जा 27 एंड 7 कैरी, 9 एट जा 72। तो n की वैल्यू क्या हुई बेटा आपकी 38। n तो आपका 38 हो गया। अब क्या निकालना है आपको यहां से, सम। सम का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। सम का क्या फॉर्मूला होता है, एस एन हो जाता है ना। सो एस एन क्या होता है, एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बेटा एस 38, अब एन की जगह क्या पुट कर देंगे, 38। तो यहां से क्या आ जाएगा, 38 बाय टू, टू इंटू 17 प्लस एन माइनस वन, 38 माइनस वन इंटू डी 9। ये कट हो जाएगा, 2 वन जा 2, 2 9 जा 18, 19 इंटू 17 टू जा 34 प्लस 37 इंटू 9। सो 19 इंटू 34 प्लस 37 इंटू 9 बेटा 333। 19 इंटू 34 प्लस 333 367 हो जाएगा। अब बेटा 19 को 367 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका जाएगा ये 6973। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या आ गया, सम ऑफ 38 टर्म्स। n फाइंड आउट करना था, पहले आपको a n गिवन था, n फाइंड आउट हो गया। सम के लिए a d और n तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तो तीनों चीजों से आपका a n सम फाइंड आउट हो गया आपका। ठीक है बेटा, तो इसी तरह इसका 7th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। सम फाइंड आउट करना है 22 टर्म्स का, इट मीन्स एस 22 आपको फाइंड आउट करना है। इन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। 22nd टर्म इट मीन्स ए 22 इज 149। बेटा ए 22 का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन माइनस वन इंटू डी। ए 22 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 22 माइनस वन इंटू डी। डी डिफरेंस आपको गिवन है ना 7, तो यहां से a 22 आपको क्या गिवन है 149, तो इसको 149 के इक्वल रख दिया हमने, तो आ गया बेटा a इंटू ए प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149। ए प्लस 27 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 147 इज इक्वल टू 149। a इज इक्वल टू 149 माइनस 147, सो a इज इक्वल टू 2। बेटा a की वैल्यू 2 आ गई है, d आपको पता ही है, n आपको पता है 22 है, तो s 22 निकाल लेते हैं यहां से। s 22 क्या होगा, 22 अपॉन 2, n बाय 2 हो गया ना, n इज 22। सो 2a, a क्या है बेटा 2, अभी फाइंड आउट किया, प्लस n माइनस 1, इट मीन्स 22 माइनस 1 इंटू डी इज 7। यहां से ये कट हो जाएगा, 11 इंटू 22 जा 4 प्लस 21 इंटू 7। 11 इंटू 4 प्लस 21 इंटू 7 करेंगे तो 147। सो 11 इंटू 147 प्लस 4
151, 11 को 151 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या जाएगा ये 1661। सो सम ऑफ 22 टर्म्स विल बी 1661। क्लियर? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।